बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से सिविल लाइन स्थित मेथोडिस्ट कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षा विभाग द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला विद्यालय निरीक्षक ने की। बैठक में बीमारियों से बचाने पर चर्चा की गई, साथ ही 9 अगस्त को वृक्षारोपण के कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। साथ ही मंडल के सभी प्रधानाचार्यों को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक को सफल बनाने में प्रधानाचार्य मधुबाला त्यागी, राजकला इंटर कॉलेज नीलम पवार, प्रधानाचार्य प्रभा देवी, शशि आर्य आदि प्रधानाचार्य मौजूद रहे। 17 में और 16 में इसको स्टार्ट किया गया, उसके बाद हमने क्या किया वो मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं। DIU सर के लिए प्रिंट आउट रखा हुआ था कि वहाँ पर हमने क्या किया और जो हमारे गैप्स हैं उसको हम किस तरह से फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा गुंजाइश होती है बेहतर को बेहतर करने की। कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कभी कम्प्लीट हो जाए। निकली जा रही है किन विषयों को और किस मुद्दों को लेकर। देखिए, आज जो जनपद के हमारे सभी जो राजकीय विद्यालय हैं और जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, ऐसे 87 विद्यालय हैं जिनके प्रधानाचार्यों की बैठक आज बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से जो अभी हमारे राज्य सरकार का एक लक्ष्य है 9 तारीख को वृहद वृक्षारोपण का, उसमें 40,000 वृक्षों को लगाए जाने का लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा विभाग को मिला हुआ है। तो उन 40,000 वृक्षों को लगाए जाने की पूरी जो कार्ययोजना है, उस कार्ययोजना को जनपद स्तर से तैयार किया गया है और उसमें सभी हमारे जो राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनको विद्यालयवार लक्ष्य आवंटित किया गया है कि 9 तारीख को भ्रमणशील रहेंगे और सभी विद्यालयों में जो हमारे पौधे हैं वो पौधे ससमय पहुंच जाएं और उनका वृक्षारोपण का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। यह मुख्य रूप से आज जो बैठक बुलाई गई थी उसका एक उद्देश्य ये था। दूसरा, हमारा जो एक विप्स कार्यक्रम चल रहा है जिसमें आयरन और विटामिन सी का सप्लीमेंट्स बच्चों को दिया जाता है, जो हम सब जान रहे हैं कि हमारा जो मुरादाबाद जनपद है इसमें एनीमिक जो हमारे बच्चे हैं उनका प्रतिशत काफ़ी अधिक है और हम सब जानते हैं कि अगर बच्चा एनीमिक है तो वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता है। वायरल और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो अपेक्षाकृत उनमें अधिक होता है। तो यह अभियान जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा और शिक्षा विभाग के समन्वित सहयोग से राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी हमारे बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं जो 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, उन बच्चों को आयरन सप्लीमेंट के रूप में प्रति सप्ताह एक गोली उन्हें खिलाई जाती है जो विद्यालय के अध्यापक और प्रधानाचार्य की देखरेख में खिलाई जाती है। तो वह प्रॉपर रूप से उस कार्यक्रम का जो कार्यान्वयन हो रहा है उसकी एक समीक्षा हम लोगों ने आज की है।